स्मिथ चार्ट पे प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, ये इसको क्या बोलते हैं, कंपास, इसको क्या बोलते हैं, पेंसिल, और इसको क्या बोलते हैं, शार्पनर, इसको क्या बोलते हैं, रबर। ठीक है, चारों चीज रेडी रखना है। इसके बाद प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम मान लो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है लोड इम्पीडेंस 60+80j ohm और लाइन इम्पीडेंस दिया हुआ 50 ohm और लेंथ ऑफ लाइन जो है वो 0.2 लैम्डा दिया। ये है प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे स्मिथ चार्ट में है क्या क्या। स्मिथ चार्ट में, स्मिथ चार्ट का ये सेंटर है, ठीक है, स्मिथ चार्ट का ये सेंटर है और यहाँ से जाओगे तो ये आउटर बॉर्डर है, ये आउटर बॉर्डर है स्मिथ चार्ट का, ये भी आउटर बॉर्डर है। ठीक है, तो अगर हम इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लेन देखेंगे तो ये यहाँ सेंटर से पास करेगा और एक ये एक्सिस होगा, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का प्लेन है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड जो होगा ना मैक्सिमम 1 होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। ठीक है, और दूसरा प्लेन जो है वो है तुमको इम्पीडेंस प्लेन। ठीक है ना, इम्पीडेंस प्लेन कहाँ पे है, इम्पीडेंस प्लेन का R इक्वल टू 0, ये आउटर बाउंड्री है R इक्वल टू 0, और जो रिएक्टिव रिएक्टेंस है उसका X इक्वल टू 0, ये लाइन रिएक्टेंस का। तो इम्पीडेंस में जो रेसिस्टेंस है उसका R इक्वल टू 0 ये हो गया और रिएक्टेंस का X इक्वल टू 0 ये हो गया। तो अगर ये R इक्वल टू 0 है तो उसके बाद यहाँ पे R इक्वल टू 0.1, यहाँ देख सकते हो R इक्वल टू 0.1, फिर R इक्वल टू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो R इक्वल टू 1, तो सेंटर पे R इक्वल टू 1 होता है। फिर इधर बढ़ोगे 1.2, 1.4, 1.6, 2, 3, 4, 5 और यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो R वेरी करता है यहाँ से 0 से इन्फिनिटी, पास करता है 1 से यहाँ पर। ठीक है, फिर X, X जो है वो 0 है, ये लाइन 0 है, इसके ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा, इसके नीचे आएंगे घटता जाएगा। तो ये है R इक्वल टू 0.1, यहाँ पे 0.1, R इक्वल टू सॉरी X इक्वल टू 0.1, X इक्वल टू 0.2, X इक्वल टू 0.3, सो ऑन, और सर्किल का रेडियस घटता जाएगा। फिर इधर X इक्वल टू -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 एंड सो, तो लोअर हाफ जो होता है कैपेसिटिव, अपर हाफ इंडक्टिव लोड को बताते हैं। ठीक है, अगर अब हमको इस लोड को यहाँ पे स्मिथ चार्ट में देखना है, लोड क्या दिया हुआ है 60+80j ohm, इसको स्मिथ चार्ट पे देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे 60+80j डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 1.2+1.6j ओम नहीं लिखेंगे, क्यों, यूनिट कैंसिल हो गया, ये यूनिटलेस हो गया। अब 1.2 और 1.6 यहाँ पे हमको फाइंड करना है, तो 1.2 क्या है, R होगा 1.2, तो ये वाला जो सर्किल है ये 1.2 है ना, तो ये सर्किल पे ही पॉइंट होगा। ठीक है, इस सर्किल पे किधर होगा, अपर हाफ में, लोअर हाफ में, ये होगा अपर हाफ में, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो अपर हाफ में चले जाएंगे। ठीक है, और 1.6 एक्स इक्वल टू 1.6, ये दोनों का कटिंग पॉइंट कहाँ है, इसको फाइंड करेंगे, तो ये हमारा कटिंग पॉइंट। ठीक है, इसके साथ में जरूरत पड़ेगा हमें एक स्केल का, स्केल दो, हाँ स्केल का जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास करते हुए सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर, सेंटर से पास करते हुए पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन कर दिया हमने, और ये कट किया, ये आउटर बाउंड्री था, उसके बाद फिर एक स्केल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चार स्केल है इसमें। तो पहला स्ट्रिप जो है, पहला स्ट्रिप, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इन डिग्रीज, दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तीसरा है वेवलेंथ टुवार्ड्स लोड, और चौथा है वेवलेंथ टुवार्ड्स जनरेटर। तो हम इसमें लोड पे ऑलरेडी हैं, तो वेवलेंथ टुवार्ड्स जनरेटर देखेंगे, अगर हम जनरेटर पे हैं तो वेवलेंथ टुवार्ड्स लोड देखेंगे।
यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.18, 0.182, 0.184, तो यह है 0.184 लैम्डा। करंट पोजीशन ऑफ द लोड इज 0.184 लैम्डा। अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए हम पेंसिल को कंपास में डालेंगे, उसके बाद ये लेंथ लेंगे, सेंटर से जो पॉइंट था उस पॉइंट का लेंथ लेंगे, और यहाँ पे जो नीचे स्केल है इस स्केल में भी यहाँ पे मिडिल पे सेंटर है, और वेरियस वैल्यूज हैज बीन, वेरियस वैल्यू इसका दिया हुआ इधर, तो यहाँ से हमने ले लिया अर्क, ठीक है, अब उसको कट कर देंगे यहाँ पे, ऊपर में भी यहाँ पे भी सेंटर है, इसको हमने कट कर दिया और उसको एक लाइन ड्रॉ कर, हमने कर दिया लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो इसमें जो पहला वैल्यू है वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दे रहा है, कितना है, 0.6 के अराउंड है, 0.6 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। फिर यहाँ पे 0.36 दे रहा है, वो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पावर, 0.6 स्क्वायर इज 0.36। उसके बाद है रिटर्न लॉस इन डीबी, रिटर्न लॉस इन डीबी में ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4.4। तो यहाँ से सब लिख देंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमको ये दिया 0.6, यहाँ से दे दिया रिटर्न लॉस, कितना दिया 4.4 डीबी, और SWR, VSWR यहाँ पे है अराउंड 4, VSWR इक्वल टू 4, VSWR इज 4। ये एक और तरीका है VSWR मेजर करने का, अगर हम इसको नहीं, VSWR को ये लेंथ लेके यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो वो भी 4 से कट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो 4, तो ये VSWR 4 है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मेजर करने का एक तरीका है, यस, इसको मेजर करो, इसको मेजर करोगे इस स्केल में तो कितना आएगा, आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं इसको O, इसको लिखे A, और जो ये आउटर सर्किल है उसको लिखा हमने B, यहाँ से लिख दिया OA इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, OA इज 4.5 सेंटीमीटर। और बाहर तक अगर ले लेते हैं इसका लेंथ, तो ये होता है 7.6 सेंटीमीटर, कहाँ से, इस वाले से, हाँ आउटर सर्किल यही है, यहाँ पे ये जो है ये सारे स्केल्स के लिए हैं, ये आउटर सर्किल है, तो फोर कितना हो गया, 7.6 सेंटीमीटर, ओ बी हो गया 7.6 सेंटीमीटर। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा वो होगा ओ ए अपॉन ओ बी। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं हम, ये रहा कैलकुलेटर, इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 डिवाइडेड बाई 7.6, ये हमें देता अप्रॉक्सीमेटली 0.6, 0.592, सो ये भी होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.6। तो हमने यहाँ से भी निकाल लिया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.6, यहाँ से भी 0.6, VSWR यहाँ से भी इस स्केल से भी 4, और अगर हम इसको सर्किल ड्रॉ करते हैं लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे बाय कंसिडरिंग द सेंटर, यहाँ पे सेंटर हमने इसको कंसिडर किया और रेडियस जो लिया ना वो ओ ए लिया, ओ ए, और इससे हमने सर्किल ड्रॉ किया, इस सर्किल को बोलते हैं कांस्टेंट VSWR सर्किल, कांस्टेंट VSWR सर्किल। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किल पे कोई भी लोड होगा उसकी VSWR कांस्टेंट होगा, मतलब अगर हम यहाँ से, ये हम लोड है, हमारा लोड है, और लोड से हम अगर सोर्स की तरफ या जनरेटर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में अगर हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 4, है ना,
तो 4 जो है वो बी एस डब्ल्यू आर भी है, और 4 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ओम होगा। मतलब अगर हम इसी ट्रांसमिशन लाइन में 200 ओम का अगर हम लोड लगाते हैं तो भी हमको 4 वी एस डब्ल्यू आर मिलता है। अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तब भी हमें 4 वी एस डब्ल्यू आर मिलता। तो अगर सवाल ये हो कि वी एस डब्ल्यू आर सेम वी एस डब्ल्यू आर पाने के लिए कौन सा प्योर रेजिस्टिव लोड लगाया जा सकता है, तो उसका एक आंसर होगा 200 ओम 4 × 50 200 ओम। और दूसरा आंसर क्या होगा इस पार आ जाएगा, ये है अराउंड 0.25, अराउंड एक्चुअली ये 0.26 है ना, तो ये 0.26 दूसरा लोड होगा 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 13 ओम, तो दूसरा हो जाएगा 13 ओम और ये है 4 या 200 ओम। 13 ओम और 200 ओम जो है वो सेम वी एस डब्ल्यू आर देगा, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड करना है, वी एस डब्ल्यू आर हमने कर लिया, रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट हमने कर लिया, अब हमें फाइंड करना है इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस कैसे फाइंड करेंगे, इनपुट इम्पिडेंस के लिए ये 0.2 लैम्डा लिखा हुआ है, 0.2 लैम्डा हमें मूव करना है टुवर्ड जनरेटर। करंट पोजीशन ऑफ लोड इज 0.184 लैम्डा, अभी पोजीशन तत्काल पोजीशन है 0.184 लैम्डा। इसमें अगर हम 0.2 लैम्डा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.184 लैम्डा प्लस 0.200 लैम्डा हो जाएगा 0.384 लैम्डा, मतलब फाइनल पोजीशन है हमारा 0.384 लैम्डा। तो इसमें इस स्केल में हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे 0.18 था, 0.19 हमें खोजना है 0.38, इसी में आ गया 0.38, उसके बाद कितना है 0.384, 5 स्केल है तो जो दूसरा स्केल है वो 4 है। ये इस पॉइंट से सेंटर से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर लिया, और जो ये कांस्टेंट वी एस डब्ल्यू आर को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और इस वैल्यू को हम रीड करेंगे, इसको रीड करने के लिए या तो हम इधर जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं। इधर आएंगे तो ये वैल्यू क्या है, 0.4 0.6 के बीच में है, यहाँ ये 0.5 हो गया, 0.4 0.5 के बीच में होगा वो 0.45 होगा। आई रिपीट, 0.4 0.6 के बीच यहाँ पे क्या है 0.5, और हमारा जो पॉइंट है वो है 0.5 और 0.4 के एग्जैक्टली बीच में, तो ये हो जाएगा 0.45। तो जो आर इन है वो हो गया 0.45। अब हमें करना है फाइंड एक्स इन, मीन्स आर इन मीन्स इनपुट रेसिस्टेंस नॉर्मलाइज्ड, एक्स इन स्मॉल एक्स इन इज इनपुट रिएक्टेंस नॉर्मलाइज्ड। उसके लिए क्या करना है, यहाँ से हमको इधर आना है, यहाँ 0.8 है और इधर 0.75, तो ये 0.8 के करीब है, 0.75 से दूर, मतलब ये होगा अराउंड 0.78, इसको लिख दिया हमने 0.78, ठीक है। तो जेड इन क्या होगा, जेड इन ये हो जाएगा 0.45 माइनस और प्लस, माइनस वाई माइनस, क्योंकि ये लोअर हाफ में है, लोअर हाफ ऑफ द स्मिथ चार्ट, तो इसमें माइनस आएगा, माइनस 0.78 जे। हम इसको फ्रेश लिख लेते हैं यहाँ पे, इनपुट इम्पिडेंस इक्वल टू 0.45 माइनस 0.78 जे इंटू 50। ये होगा इसका एक्चुअल वैल्यू, हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 को 50 से, तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 39 जे, ये हो गया इनपुट इम्पिडेंस। तो हमने क्या क्या इसका फाइंड कर लिया, कि अगर ये कोई लोड है दिया हुआ 60 + 80 j ओम, तो उसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा 0.2 लैम्डा के बाद, ठीक है। इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि अगर 60 + 80 j ओम का कोई लोड है तो उसमें कितना लेंथ ऐड करेंगे, मिनिमम लेंथ, कि हमें रियल इम्पिडेंस मिले। सवाल को इसमें ट्विस्ट किया जा सकता है,
अगर 60 प्लस 80 जो ओम लोड है तो कितना लेंथ उसमें हम ऐड करें तो हमें इनपुट रियल इम्पीडेंस मिले। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको, हमारा लोड पोजीशन यहीं पर रहेगा, ठीक है, और रियल इम्पीडेंस हमारा यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मिनिमम लोड, मिनिमम लेंथ के लिए हम ये इम्पीडेंस लेंगे, मिनिमम लेंथ के लिए। तो इसका मतलब हमें कहाँ पे आना है, इस पोजीशन पे आना है, और ये पोजीशन क्या है, 0.25 लैम्डा, और हम ऑलरेडी हैं 0.184 लैम्डा पे। कितना ऐड करना पड़ा, 0.25 लैम्डा माइनस 0.184 लैम्डा। तो मिनिमम लेंथ होगा 0.25 लैम्डा माइनस 0.184 लैम्डा, इसका हो जाएगा 0.066 लैम्डा। ये मिनिमम लेंथ है टू अचीव रियल इम्पीडेंस। उसके बाद वाला क्या होगा, अगर इसमें कहे कि चलो मिनिमम लेंथ यू हैव टू यूज, तुम्हें मिनिमम 0.07 लैम्डा यूज करना है, तो ऑलरेडी 0.066 है। अगर किसी ने कहा कि मिनिमम लेंथ यूज करना है 0.07 लैम्डा, तो इसमें तो आएगा नहीं रियल इम्पीडेंस, क्योंकि हमें जब उतना ऐड करेंगे तो ये पार कर जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, इस पार आना पड़ेगा, 0.25 प्लस 0.066, तो वो दूसरा लेंथ होगा जो हमें प्योर इम्पीडेंस। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर इसमें ये पॉइंट इधर गिनते हैं हम लोग, इधर भी तो आ सकते थे, तो इधर आएंगे तो कौन, किधर भी इस पॉइंट को हम किधर भी जाएंगे, यहाँ पे हमें ये देखना है, ये रेसिस्टेंस है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस है क्या, इधर जाएंगे तो फिर कौन से सर्कल बनेंगे, इस सर्किल पे जाएंगे और इसी सर्किल पे घूमते रहेंगे, ये वैल्यू 0.4 है, 0.5 इसके बीच में क्या होगा, 0.45। तो ये दिया हुआ, यहाँ भी स्केल दिया हुआ, यहाँ भी स्केल दिया हुआ है, वो इसलिए कि अगर इसके नज़दीक हो तो इधर वाले स्केल में चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे बढ़ो, आगे बढ़ो और इस यहाँ पे स्केल देखो, ये भी 0.45 बता रहा है, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे था, ये था, ये था, हाईलाइट कर दिया हमने, तो इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट है ये हमें पकड़ना था, तो यहाँ पे 0.8 था, ये 0.7 है, तो 0.78 ये हो गया, और ये हो गया 0.45।